हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 12, जिसमें आज हम कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन, सम ऑफ एंगल के कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसे देखिए, अभी तक हम सम ऑफ एंगल के कैसे कैसे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक तो टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और कल ही हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हम सम ऑफ एंगल्स में कर चुके हैं। ठीक, अब जो आखिरी टाइप है उसमें सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कहने का मीनिंग, उसमें टेन इनवर्स भी पूछेगा वो आपसे, साइन इनवर्स भी और कॉस इनवर्स भी। ठीक, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, किन्हीं भी एंगल्स का सम आपसे पूछ सकता है। ये हमारा लास्ट टाइप रहेगा इस सीरीज का। ठीक, अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व जब करने जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि या तो इसको पूरी इक्वेशन को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, ये तो साइन इनवर्स ही है, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, या फिर कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स में पूरी इक्वेशन को चेंज करो, ये तो कॉस इनवर्स है ही, इसको भी कॉस इनवर्स में चेंज करो, इसको भी कॉस इनवर्स में, या फिर टेन इनवर्स में चेंज कर दो। ठीक, इसको टेन इनवर्स में, ये तो टेन इनवर्स है ही, इसको टेन इनवर्स में चेंज कर दो, इसको कॉस इनवर्स में चेंज। ठीक, लेकिन हमें अभी तक चेंज करना नहीं आता है, कॉस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर टेन इनवर्स को साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही चीज आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक, एक बार वीडियो देख लें, ठीक बन रहे, ठीक है। देखिए फिर, उससे पहले हल्का सा इलेवेंथ का टच, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई कहानी आगे बढ़ेगी। देखिए, इलेवेंथ में एक क्वेश्चन हुआ रखा था कि अगर साइन ए की वैल्यू 4/5 दे, ठीक, साइन ए की वैल्यू सपोज 4/5 है, तो कहता था अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो मालूम कीजिए, यानी कि कॉस ए कितना आएगा, ठीक, टेन ए कितना आएगा, फिर उसके नीचे भी कॉट ए, इसका उल्टा, इसका उल्टा साइन ए, इसका उल्टा कॉस ए, वो तो उल्टा करके हम रेसिप्रोकल करके निकाल लेते हैं। ठीक, मेनली इन तीनों को निकालना आना चाहिए आपको। ठीक, होपफुली आपको आता होगा, क्योंकि इलेवंथ में फेमस क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दिया, उसके अलावा अदर ट्रिग्नोमेट्री मालूम कीजिए कहता था। ठीक, तो इसके लिए हम एक चीज पढ़ते थे, एल ए एल बट्टा के ए। ठीक, यानी कि लंब बट्टे कर्ण साइन होता था, लंब बट्टे कर्ण साइन ए। ठीक, उसी प्रकार से आधार बट्टे कर्ण ये होता था आपके पास कॉस, और लंब बट्टे आधार ये आता था आपके पास टेन। ठीक, और कॉट जाना है तो इसका रेसिप्रोकल आधार बट्टे लंब हो जाता था। ठीक, सेट जाना है तो के बट्टा ए, यानी कि कर्ण बट्टे आधार होता था। उसी प्रकार से साइन का उल्टा कॉस साइड में जाते थे तो कर्ण बट्टे लंब। ठीक, कर्ण को लंब को आप परपेंडिकुलर बोलते हैं अगर इंग्लिश में कहोगे तो, ये ठीक, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका साइन होगा, यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, उसी प्रकार से परपेंडिकुलर बाय बेस टेन होगा। ठीक, तो इसी का यूज करके हम कॉस भी निकाल लेते थे। ठीक, इसमें आप जानते थे कि जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होते थे। ठीक, अगर इस एंगल को आप ए मानोगे
तो देखिए साइन ए 4/5 दे रखा है और आप जानते हो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो लंब देखिए एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को लंब कहते हैं, यानी कि ये 4 दे रखी है उसने, ठीक। उसी प्रकार से कर्ण यानी कि ये आपके पास हाइपोटेन्यूज जो कि 5, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली साइड आप निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक, 25 - 16, 9, उसका अंडर रूट 3, यानी कि ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 3, ठीक। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, या हिंदी में कहो तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपके पास 3, कर्ण कितना आपके पास 5, तो कॉस आ जाएगा 3/5। उसी प्रकार से टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, या हिंदी में कहो तो लंब बट्टे आधार, लंब 4 आधार 3, तो यह आ जाएगा 4/3। ठीक, इसी प्रकार से अदर, जैसे क्वार्ट निकालना तो 3/4 उल्टा हो जाएगा, ठीक, सेक निकालना तो 5/3 हो जाएगा, और कोसेक निकालना है तो 5/4, ठीक, यह आपको आता होगा। अब देखिए इसी प्रकार से हमने इनवर्स में, ये ए क्या था आपके पास, एंगल था, ए क्या था आपके पास एंगल, यानी कि अगर यहां से आप ए की वैल्यू निकालने जाओगे, ए की वैल्यू, तो ये साइन साइन इनवर्स में चले जाएगा ना, आगे को ये कितना जाएगा साइन इनवर्स 4/5, यहां से ए की वैल्यू ढूंढो तो कितना जाएगा कॉस इनवर्स 3/5, ठीक। उसी प्रकार यहां से ए की वैल्यू ढूंढने जाओ कितना जाएगा टेन इनवर्स 4/3। अब ये तीनों ए के इक्वल है, मीन्स ये आपस में इक्वल है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि साइन इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 3/5 के बराबर हो, ठीक, या साइन इनवर्स 4/5 टेन इनवर्स 4/3 के बराबर, ठीक। देख सकते हो आप साइन इनवर्स 4/3 था, अगर मुझे इसकी जगह कॉस इनवर्स लाना पड़े क्वेश्चन में चेंज करके साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स, तो ये ठीक, साइन इनवर्स के बदले अगर आपको टेन इनवर्स लाने की कोशिश, अगर आपको टेन इनवर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है क्वेश्चन में, तो आप ऐसे कन्वर्ट करो, ठीक। अब इसके लिए हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना, ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए था 4/5, ठीक, साइन इनवर्स 4/5 के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, हमें तो जनरलाइज्ड करना होगा क्योंकि अंक तो कुछ भी आ सकता है, ठीक। जनरलाइज्ड के लिए मैं इसकी जगह एक्स कंसीडर करूंगा, फिर देखूंगा कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स के रूप में किस प्रकार आपका फॉर्मूला जनरेट होगा, ठीक। देखिए मेन चीज है आपका कन्वर्जन, ठीक, साइन इनवर्स से आप कॉस इनवर्स कैसे लाएंगे, साइन इनवर्स से टेन इनवर्स कैसे लाएंगे, ठीक, कॉट इनवर्स कुछ भी आप ला सकते हो, ठीक। तो कन्वर्जन हिंदी में क्या कहोगे, रूपांतरण, ठीक, अगर हिंदी में क्या होता हो तो इसको रूपांतरण, यानी कि साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स में या फिर टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्जन होगा, ठीक, कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स में या टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्जन होगा, और टेन इनवर्स का साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्जन होगा, ठीक। देखिए हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स एक्स लेते हैं, ठीक, साइन इनवर्स एक्स, मैं इसको कॉस इनवर्स के टर्म में कुछ लिखना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि कॉस इनवर्स में कितना आएगा, ठीक, फिर मैं इसी को चाहूंगा कि टेन इनवर्स में कितना आएगा, ठीक। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स, देखिए मैं कहूंगा माना इसको मैं, ये एंगल है ना, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होते हैं एंगल को डिनोट करते हैं, तो मैं इसको सिंपल एंगल में कन्वर्ट करता हूं, ए बोल देता हूं, ठीक, मैं कहता हूं माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, अगर आपने साइन इनवर्स एक्स को ए कहा तो साइन इनवर्स राइट में जाके साइन ए दे देगा, ठीक, यहां से साइन ए कितना आ जाएगा एक्स, इसको मैं इक्वेशन वन बोल दू, देखो मुझे तो कॉस इनवर्स में चाहिए, मुझे कॉस इनवर्स में चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कॉस इनवर्स में लाना, ठीक, मुझे क्या चाहिए कॉस इनवर्स, यहां क्या है साइन,
क्या साइन से आप कॉस ला सकते हो? साइन से आप कॉस ला सकते हो? बिल्कुल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? वन। ठीक, मुझे कॉस ए लाना होगा तभी तो कॉस इनवर्स ना, कॉस ए अगर समथिंग आएगा, कॉस ए एक्स के टर्म में कुछ फंक्शन आएगा तभी तो मैं कॉस को राइट में ले जाके कॉस इनवर्स कह पाऊंगा। ठीक, यानी कि साइन ए आपको पता है तो कॉस ए तो मालूम चल जाएगा किससे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन वाली फॉर्मूले। ठीक, मैं कहूंगा सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ठीक, यहां से देखिए तो कॉस इसकी जगह आप एक्स रखोगे ये एक्स स्क्वायर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो यहां से ये राइट में चले जाएगा कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे कॉस इनवर्स के टर्म में चाहिए ना तो कॉस को राइट में ले जाओ कहां इसको हटा देते हैं। देखिए कॉस ए अगर इतना आ गया तो ए कितना जाएगा यहां से कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ए तो क्या था, देखो ए तो साइन इनवर्स एक्स था। ठीक, यानी कि यहां से साइन इनवर्स एक्स था आपका कन्वर्ट हो गया कॉस इनवर्स के टर्म में क्या रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स को आप कॉस इनवर्स के टर्म में इतना बोल सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के टर्म में क्या कह सकते हो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी सकल हल्की हम किससे मिल रही है, देखो तो साइन ए अगर कॉस ए के टर्म में आप लिखते हैं क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, वहां से कॉस स्क्वायर को राइट में ले जाओगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट, यानी कि कुल मिला के उस फॉर्मूले से साइन ए बनता वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो तो ऐसा ही तो मिल रहा आपको रूट है वन माइनस किसी चीज का स्क्वायर, रूट वन माइनस किसी चीज का स्क्वायर रूट। ठीक, हल्का इससे मैच कर रहा है वाला फॉर्म। ठीक, आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स में ऐसे कन्वर्ट करो। ठीक, अगर जिसको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है उसके लिए भी तरीका बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे उसके लिए, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा वो भी सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मेथड लॉन्ग होते हैं। ठीक, देखिए फिर नेक्स्ट, अब हम साइन इनवर्स एक्स को ही टेन इनवर्स में कितना लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है कि साइन इनवर्स की जगह हमें टेन इनवर्स चाहिए होगा। ठीक, उस केस में साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के टर्म में कितना लिखेंगे ये सीखते हैं। अब मुझे साइन इनवर्स को ही टेन इनवर्स के टर्म में लिखना है। मैं चाहता हूं कि साइन इनवर्स एक्स जो कि कॉस इनवर्स में तो मैं लिख चुका हूं, अब मैं इसको टेन इनवर्स में लाना चाहता हूं। टेन इनवर्स में कितना आएगा ये चाहता हूं मैं, तो फिर से वही प्रोसीजर आप यूज करो। साइन इनवर्स एक्स को एक सिंपल एंगल ए मान लो, मैंने कहा माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, इंप्लाइज यहां से साइन ए कितना आ गया, साइन ए आ जाएगा आपके पास एक्स, क्वेश्चन नंबर वन। अब देखो आपको क्या लाना पड़ेगा, टेन इनवर्स है ना तो कहीं ना कहीं टेन ए लाना पड़ेगा, तभी तो उस टेन को राइट में ले जाके टेन इनवर्स बनेगा, इनके आपको टेन ए की वैल्यू चाहिए। उसके लिए साइन ए तो आपको पता है, ठीक साइन ए आपको पता है तो टेन ए ला सकते हैं। इलेवंथ में आपने ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर आपको साइन ए पता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक ढूंढ सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढ सकते हो, यहां आपको टेन ए की जरूरत है, अभी आपको टेन ए की जरूरत है। तो सीधे सीधे राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप जाते हो, देखिए साइन ए क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक,
यानी कि लंब ये आपके पास, इसको मैं x by 1 कह सकता हूं, ठीक। लंब कितना जाएगा ये, x अगर इस एंगल को आप a मानते हो तो ये लंब आ जाएगा x, ठीक। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। और ये आपके पास क्या होता है, एल ए एल बट्टे के के, यानी कि कर्ण, कर्ण आपके पास कितना है 1, तो ये वाली साइड ढूंढ सकते हो, ये वाली साइड कितनी आएगी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहां से आप टेन ए ढूंढ सकते हो, फिर सीधे सीधे टेन ए कितना जाएगा, यहां से टेन ए होता है एल ए एल यानी कि लंब, के ए यानी कि आधा, लंब बट्टे आधा, ये आपके पास लंब, ये आपके पास है आधा, यानी कि x बट्टे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। टेन ए इतना आ गया, तो मैं टेन इनवर्स ला सकता हूं इसको राइट में बेस के, ए इक्वल टू कितना जाएगा यहां से, टेन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक। लेकिन जो a था ये तो क्या था आपके पास, साइन इनवर्स x, तो इसकी जगह आप साइन इनवर्स x रख सकते हो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे साइन इनवर्स x को टेन इनवर्स के टर्म में हमने एक्सप्रेस कर लिया है, ठीक। यानी कि साइन इनवर्स को हमने कॉस इनवर्स में भी लिखा और टेन इनवर्स में, यानी कि अगर हम इसको कंबाइंडली लिखें, कंबाइंडली फॉर्मूले के रूप में लिखें, तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया यहां से, आज के बाद अगर आपको साइन इनवर्स एक्स के बदले कॉस इनवर्स लिखना पड़े, साइन इनवर्स दिक्कत कर रहा हो उसकी जगह कॉस इनवर्स लिखना पड़े, तो आप उसकी जगह सीधे सीधे क्या लिखोगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि साइन इनवर्स के बदले टेन इनवर्स दे, तो साइन इनवर्स एक्स को ही आप टेन इनवर्स के टर्म में लिख सकते हो, एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यही चीज हमने कॉस इनवर्स में भी लगानी है, अगर कॉस इनवर्स एक्स दिया हो क्वेश्चन में और आपको रिक्वायरमेंट, आपको सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स की जरूरत पड़ रही हो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कॉस इनवर्स दिया हो और क्वेश्चन सॉल्व करने में टेन इनवर्स की जरूरत पड़ रही हो, तो तब कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक। अब बात कॉस इनवर्स की करते हैं, एक फॉर्मूला तो आपको मिल गया है कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स टेन इनवर्स में ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉस इनवर्स की, ठीक। नेक्स्ट आएगा आपके पास कॉस इनवर्स एक्स, अगर इसको मैं साइन इनवर्स में चेंज करना चाहूं तो कितना लिखना पड़ेगा, ठीक। और इसी को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो कितना लिखना पड़ेगा, ठीक। मेनली इस पर हमने बात कर ली, ठीक। तो पहले मैं कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स लाने का प्रोसीजर ढूंढता हूं, फिर वही कहोगे माना वाई इज इक्वल टू, सॉरी वाई भी ए मान लेते हैं, वाई भी कह सकते हो कहने को, जनरली एबीसी या थीटा फाइव, ठीक। तो माना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहां से कॉस ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, एक्स इक्वेशन नंबर 1, ठीक। मुझे तो साइन चाहिए ना, तभी तो साइन इनवर्स आएगा, तो इस कॉस ए से मैं साइन ए फिर से ला सकता हूं उसी फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। तो सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देखो कॉस ए आपके पास एक्स है, साइन स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कॉस ए की जगह आपने एक्स रखा, उसका स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 1। थोड़ी देर में प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ी देर में स्क्वायर हटके रूट, यानी कि साइन ए आ गया आपके पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे तो साइन इनवर्स चाहिए राइट में, तो क्या करूं, साइन को राइट में ले जाऊं, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से साइन इनवर्स, ए इक्वल टू आ गया आपके पास साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। लेकिन ये ए तो क्या था, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आ गया आपके पास कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू
साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसी टाइप का तो आया है। देखो साइन इनवर्स को जब आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे थे तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अभी भी तो यही है, क्यों नहीं आ रही था, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने सेम यूज किया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक इसी फॉर्मूले से आया है ये दोनों सेम ठीक। तो कॉस इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना होगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को मैं टेन इनवर्स के टर्म में चाह रहा हूं, ठीक कॉस इनवर्स क्वेश्चन में दिया हो और सॉल्व करने के लिए टेन इनवर्स की जरूरत पड़ रही हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक लाइक कर ली। ठीक कैमरा सही चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको टेन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक देखिए फिर से वही कहोगे कॉस इनवर्स एक्स को आपने के माना, कॉस इक्वल टू आ गया एक्स, अब मुझे टेन इनवर्स लाना है तो टेन ए की जरूरत पड़ेगी, ठीक कॉस ए आपको पता है, इसको मैं एक्स बाई वन कह दू। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ठीक अगर इस एंगल को आप ए मानते हो, ठीक तो कॉस क्या होता है एल ए, यानी कि आधार के ए में कर्ण, आधार बटे कर्ण मीन्स आधार ये होगा आपके पास जो कि एक्स है, बटे कर्ण आपके पास वन, आपके पास हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, ठीक तो ये आपके पास परपेंडिकुलर आप ढूंढ सकते हो पाइथागोरस से कितना, वन माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे आधार का स्क्वायर प्लस नंबर का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। अब यहां पर ये मालूम करना था तो वो राइट में जाके कर्ण के साथ माइनस हो गया होगा आधार, ठीक क्योंकि आपको लंबो निकालना है, तो ये आ गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम टेन ए पता कर सकते हैं, यहां से हम टेन ए पता कर सकते हैं कितना, टेन ए होता है लंब बटे आधार, यानी कि रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ठीक अब ए की जगह आपको कॉस इनवर्स एक्स पुट करना है तो यह आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। लो कॉस इनवर्स टेन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट हो गया, आप cos inverse x को tan inverse में देख सकते हो root 1 minus x square by x, ठीक जरा देखो just reciprocal हो गया ना, वहां tan inverse x by root 1 minus x square आ रहा, यहां tan inverse root 1 minus x square by x आ, उसी का just reciprocal हो गया, ठीक यानी कि ये आ गया आपके पास root 1 minus x square by x, tan inverse के टर्म में आप ये लिख सकते हो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ठीक क्योंकि टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, अगर कॉस एक्स में दिया है तो साइन क्या आएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जाहिर सी बात अब वन में कॉस आता था तो कॉस एक्स के टर्म में दिया है, ऐसे भी सोच समझ सकते हो, साइन दिया था एक्स के टर्म में, टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, ठीक तो क्या आएगा एक्स के टर्म में साइन बटे कॉस, कॉस जानते हो रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ही होता है तो यहां रूट आएगा, इस प्रकार से लिंक करके आप याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले, ठीक क्योंकि अगर याद होगा फॉर्मूला तो सीधे सीधे कन्वर्जन कर सकते हैं, अगर जो आदमी याद नहीं करेगा तो फिर उसको ये प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब टेन इनवर्स क्वेश्चन में दिया होगा, टेन इनवर्स आपको जरूरत पड़ रही होगी टेन इनवर्स को या तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने की या कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने की, ठीक तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये आपके पास फर्स्ट
ये दूसरा कन्वर्जन। अब आएगा तीसरा कन्वर्जन जिसमें आपको ये मालूम करना है कि tan इनवर्स x को sin इनवर्स में कितना लिखोगे। tan इनवर्स x को मुझे sin इनवर्स के टर्म में कुछ लिखना है, इसी को tan इनवर्स को ही cos इनवर्स के टर्म में मुझे कुछ लिखना है। ठीक, तो फिर वही प्रोसीजर यूज करो कि इसको a मान लो सिंपल एंगल। ठीक, आपने कहा माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स x को आपने a माना, इंप्लाइज यहां से tan a की वैल्यू आ गई आपके पास x, इक्वेशन 1। और देखो tan a बताया आपको, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ढूंढ सकते हो 11th के सहारे। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल पे जाइए, ये राइट एंगल, चलो इसको आप एंगल अगर a मानते हो तो देखिए इसको मैं x by 1 कह दूं, tan क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब क्या होगा आपके पास ए, यानी कि x बट्टे आधार ही 1। ठीक, तो आपके पास कर्ण आ जाएगा सीधे सीधे रूट। अब देखो ये आधार है, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, यानी कि जब आप पाइथागोरस से कर्ण निकाले जाओगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 बाय स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका कर्ण कितना मिल गया रूट वन माइनस ओ सॉरी रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे साइन ए चाहिए है, मुझे क्या चाहिए साइन ए, साइन ए कितना होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब ये कर्ण ये एक्स बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये ए तो क्या था आपके पास टेन इनवर्स एक्स, जो ये ए था वो तो टेन इनवर्स एक्स है, तो इस ए की जगह मैं टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, इस ए की जगह टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। तो ये देखिए टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के टर्म में आप ये लिख सकते हैं एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, साइन इनवर्स के टर्म में आपने जैसे लिख दिया एक्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार से मुझे कॉस इनवर्स के टर्म में भी चाहिए, कॉस इनवर्स में कितना लिखा जाएगा। ठीक, देखिए ज्यादा चेंज नहीं करोगे, सेम ही प्रोसीजर यूज करोगे, tan इनवर्स x को a माना, tan a x, फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सब चीजें पता है, तो वहां से cos a ढूंढ लो, cos इनवर्स से तो cos a ढूंढ लो, sin a के बदले cos a ढूंढ लो, तो cos a कितना आ जाएगा यहां से, since cos a कितना आ गया आधार बटे कर्ण, आधार आपके पास 1, कर्ण है रूट 1 प्लस x स्क्वायर, यह जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये a तो क्या आपके पास tan इनवर्स x, तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स x को अगर cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये तीन फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद होंगे तो जल्दी से आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। tan इनवर्स को जैसे a मानोगे tan a निकालोगे, फिर वहां से अगर sin में कन्वर्ट करना है तो sin a निकालोगे, ठीक, cos में कन्वर्ट करना है तो cos a निकालोगे, प्रोसीजर से भी आप ढूंढ सकते हो अगर फॉर्मूला याद करने में आपको दिक्कत है तो, अगर फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये आपके पास प्रोसीजर की sin इनवर्स या cos इनवर्स या tan इनवर्स को आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट करोगे। अब बारी आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड।
देखिए टाइम हो चुका है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक। आज आप इतना सीख लो कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स को आपस में कैसे कन्वर्ट किया था हमने, ठीक। और हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि बाय द वे अगर उसने कॉट इनवर्स में दिया हो, ठीक, कॉट इनवर्स एक्स में दिया हो, या सेक इनवर्स दिया हो, या कॉसेक इनवर्स दिया, या कॉसेक इनवर्स दिया, तब क्या करेंगे, तब हम फॉर्मूला जानते हैं, तब हम फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए थे, कॉट इनवर्स एम बाई एन को अगर आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको जस्ट उलट दो, एन बाई एम कर दो, प्रूफ भी किया था हमने इसका, ठीक। शायद लेक्चर नंबर 4 या 5 में आप जाके देखिए, ठीक, इसका हमने प्रूफ किया था, ठीक। उसी प्रकार से अगर आप sec इनवर्स एम बाई एन को cos इनवर्स के टर्म में लिखना चाहते हो तो ये जस्ट उलट जाएगा, एन बाई एम, ठीक। उसी प्रकार से cosec इनवर्स x या cosec इनवर्स m by n को आप sin इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक, तो इसको जस्ट उलट दोगे, n by m, ठीक। तो उसी प्रकार से देखिए क्या है, x by 1 कुछ नहीं है तो x by 1 कह सकता हूँ इसको, ठीक। अगर मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स 1 ऊपर चले जाएगा, x नीचे, 1 by x बन जाएगा, ठीक। अब tan इनवर्स को तो हम cos इनवर्स में भी कन्वर्ट करना जानते हैं और sin इनवर्स में भी, यहां से तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, यानी कि cot इनवर्स को अगर आपने sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, फिर tan इनवर्स से तो अभी अभी कन्वर्जन हमने सीखा है, उसी प्रकार sec इनवर्स दिया होगा तो इसको आप cos इनवर्स लिख दोगे, कितना है 1/x, और cos इनवर्स का तो हमने अभी भी कन्वर्जन सीखा है, ठीक। उसी प्रकार से अगर आपको sec इनवर्स x मिलेगा तो उसको क्या लिख दोगे आप, साइन इनवर्स, इसको जस्ट उलट दोगे ना, अपन मोमन है तो 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक, कोसेक इनवर्स x बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/x, फिर से साइन इनवर्स को किसी भी टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, अभी सीखा है, ठीक। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई तो यहां से एक परफेक्टली 4 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक। 4 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ भी दे देगा, tan इनवर्स 2/11, sin इनवर्स 5/4, cos इनवर्स या cot इनवर्स कुछ भी दे देगा 5/3, इस टाइप से कह सकते हैं, ठीक। इसका मान याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर 4 नंबर में पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ tan इनवर्स भी दिख रहा है, sin इनवर्स भी दिख रहा है, cot इनवर्स भी दिख रहा है, तो हम इनको किसी एक ही रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक। साइन इनवर्स के रूप में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो ठीक है, इसको तो ऐसे ही रहने दोगे, साइन इनवर्स ही रहेगा, ठीक। टेन इनवर्स को हमने अभी अभी सीखा है कन्वर्ट करना, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म में भी सीखा है, ठीक। फिर उसी प्रकार से कॉट इनवर्स टेन इनवर्स में कन्वर्ट होगा, फिर टेन इनवर्स को वापस साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहां भी साइन इनवर्स का टर्म मिलेगा, यहां भी साइन इनवर्स का टर्म मिलेगा, यहां भी साइन इनवर्स का टर्म, ठीक। यानी कि साइन इनवर्स समथिंग यहां भी होगा, ठीक। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओगे, एक सिंपल साइन इनवर्स मिलेगा आपको, यानी एक साइन इनवर्स यहां से मिल गया आपको, एक साइन इनवर्स यहां होगा, फिर से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक। दो बार आपने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करना, तो इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाए, ठीक। आप नोट्स बनाते रहें।